एड्सो के कार्यकर्ताओं ने जहानाबाद में फूका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला। मलहचक मोड़ पर फूका गया पुतला। छात्र नेताओं ने सभा कर की शहर में नियमित बिजली की आपूर्ति करने की मांग। जहानाबाद में समाज सेवी यदुनंदन महतो की 110वीं जयंती पर समारोह का हुआ आयोजन। दांगी क्षत्रिय संघ ने समारोह का किया आयोजन। मंत्री जीतन राम मांझी ने कार्यक्रम का उद्घाटन कर यदुनंदन महतो की जीवनी पर डाला प्रकाश। संस्था के अध्यक्ष राम वृक्ष सिंह को अंग वस्त्र देकर किया गया सम्मानित। काको प्रखंड क्षेत्र के अमथुआ शरीफ खाना का हयातिया में अकीदतमंदों ने की चादरपोशी। जहानाबाद जिले में अमन शांति और भाईचारे का दिया गया संदेश। पूर्व मंत्री मुंदिरका सिंह यादव, एसपी हरप्रीत कौर सहित कई अकीदतमंदों ने की चादरपोशी। मगध विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव को लेकर आईसा ने जहानाबाद में की बैठक। जहानाबाद, गया, अरवल, नालंदा और पटना जिले के कई छात्रों ने बैठक में लिया हिस्सा। चुनाव में आईसा की रणनीति पर बैठक में हुई चर्चा। जहानाबाद में इन दिनों बिजली का घोर संकट व्याप्त है। समाज के हरेक तबके के लोग बिजली संकट से परेशान हैं। व्यवसायियों को शाम होते ही अपनी अपनी दुकानें बंद कर देनी पड़ती है। छात्रों की पढ़ाई चौपट हो रही है। बिजली संकट के विरोध में छात्र संगठन एड्सो के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुतला के साथ शहर में जुलूस निकाला और मलहचक मोड़ के समीप पुतला दहन कर सरकार के विरोध में नारे लगाए। एड्सो के नेताओं ने इस मौके पर कहा कि राज्य सरकार बिजली के मामले में बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की बात करती है, लेकिन विगत 15 दिनों से बिजली संकट की स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सरकार की बात बेमानी साबित हो रही है। एड्सो ने बिजली संकट शीघ्र सुधार कर जहानाबाद में नियमित बिजली की आपूर्ति करने की मांग की है। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। यदुनंदन महतो सेवा संस्था दांगी क्षत्रिय संघ जहानाबाद में समाज सेवी यदुनंदन महतो की 110वीं जयंती के मौके पर समारोह का आयोजन किया। जहानाबाद जिला मुख्यालय के होरिलगंज दांगी नगर में समारोह आयोजित किया गया था। जयंती समारोह की अध्यक्षता किया संघ के जिलाध्यक्ष कमलेश कुमार वर्मा ने। बिहार सरकार के कल्याण मंत्री जीतन राम मांझी ने समारोह का उद्घाटन किया और अपने संबोधन में यदुनंदन महतो की जीवनी पर प्रकाश डाला। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष राम वृक्ष सिंह को संघ की ओर से मंत्री ने अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। साथ ही मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष अरविंद वर्मा को बधाई देते हुए शॉल देकर सम्मानित किया गया। जयंती समारोह में पूर्व विधायक कृष्णंदन वर्मा के अलावा भूषण कुमार वर्मा सहित भारी संख्या में दांगी समाज के लोग और शहर के गणमान्य लोग मौजूद थे। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। जहानाबाद जिले के काको थाना क्षेत्र के अमथुआ शरीफ में अकीदतमंद लोगों द्वारा चादरपोशी की गई। मालूम हो कि हर साल की तरह इस साल भी जिले में अमन शांति का पैगाम एवं भाईचारगी के संदेश के साथ मंगलवार की रात्रि हजरत सैयद शाह मोहम्मद अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह एवं हजरत सैयद शाह नूरुल हक रहमतुल्लाह अलैह की मजारे अकदस पर खानाकाह हयातिया के सज्जादा नशी सैयद शाह इरफान अहमद, हजरत सैयद शाह मोहम्मद अतीक एमादी, जिले के पुलिस कप्तान हरप्रीत कौर, पूर्व मंत्री मुंदिरका सिंह यादव, सैयद शाह लईक एमादी, एसडीएम राम निरंजन सिंह, डीटीओ मोहम्मद शफीक अहमद, बिहार राज्य हज कमेटी के सदस्य मिराज अहमद उर्फ सुड्डू, छत्रधारी यादव मतलूब खान, नगर थानाध्यक्ष श्री प्रकाश सिंह और काको थानाध्यक्ष संजय कुमार के अलावा हजारों की संख्या में लोगों ने दरगाह पर पहुंचकर चादरपोशी एवं गुलपोशी की। खानकाह हयातिया के सज्जादा नशी ने चादरपोशी के बाद मुल्क, राज्य एवं जिले में अमन शांति और तरक्की के लिए दुआ मांगी। खानकाह के नाजिम मिराज अहमद उर्फ शुड्डू ने बताया कि इस मजार पर न सिर्फ इस गांव व इलाके के लोग पहुंचते हैं, बल्कि जब जमुना नदी को पार करने के लिए पुल भी नहीं था, उस जमाने से ढाका के नवाब मोहम्मद सलीमुल्लाह खां इस खानकाह में आए थे और अपने स्वस्थ होने की दुआ मांगी थी। उन्हें कोई संतान नहीं था, यहाँ दुआ मांगी और खानकाह से उनका गोद भर गया। इस मौके पर जिले के कप्तान हरप्रीत कौर ने भी जिले में शांति एवं भाईचारगे के लिए दुआ मांगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से जिले में शांति और अमन का पैगाम जाता है। मुझे इस खानकाह पर आकर काफी अच्छा लग रहा है और इस ठंड में
हजारों अकीदतमंदों की संख्या देखकर काफी खुशी हो रही है। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। छात्र संगठन आयसा ने मगध विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को लेकर जहानाबाद में बैठक की। बैठक की गई भगत सिंह नगर में। इस बैठक में पटना, गया, जहानाबाद, अरवल और नालंदा जिला के अलावा मगध विश्वविद्यालय क्षेत्र के कई छात्र शामिल हुए। इस मौके पर आयसा के राज्य सचिव अभियुदय ने कहा कि मगध विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की घोषणा आयसा के नेतृत्व में छात्र आंदोलन की जीत है। बैठक में चुनाव के पूरे परिप्रेक्ष्य और चुनाव में आयसा की क्या रणनीति होगी, इस पर चर्चा हुई। आयसा नेताओं ने कहा कि मगध विश्वविद्यालय में व्याप्त शैक्षणिक अराजकता, शिक्षा माफियाओं का कब्जा और विश्वविद्यालय फंड का बंदरबांट के खिलाफ समझौताहीन संघर्ष का केंद्र बनाने के लिए आयसा चुनाव में मजबूती से दावा पेश करेगा। बैठक में इनकलाबी नौजवान सभा के राज्य सचिव नवीन के अलावा संतोष केसरी, रविन्द्र यादव, आदेश चतुर्वेदी सहित कई छात्र नेता उपस्थित थे। चंद्र मिश्रा, आजकल के लिए।